नमस्कार सुजाता किचन में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुजाता। आज मैं लेकर आई हूँ मसाला मिर्ची फ्राई की रेसिपी। 10 मिनट में बनाइए फटाफट चटपटी मसाला फ्राई मिर्ची। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मसाला मिर्ची फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली हरी मिर्च, जिन्हें मैंने साफ कर धो लिया है और कपड़े से पोंछ लिया है। तो अब हम सबसे पहले मिर्ची को कट करेंगे इस तरीके से। बहुत से इसका टोपा निकाल लेंगे और इसे बीच में से कट कर लेना है इस तरीके से। देखिए मिर्च के दो पार्ट कर लेने हैं इस तरीके से। इसी तरीके से सारी मिर्च को हमने कट कर लेना है। का ध्यान और देना है आपको, जब भी आप मिर्ची फ्राई बनाने के लिए मिर्च लें तो आप कम तीखी वाली मिर्च लें। जो ये लंबी थोड़ा लाइट ग्रीन कलर की इस तरह की मिर्च होती है, थोड़ा कम तीखी होती हैं। तो इस मिर्च का अगर आप मिर्ची फ्राई बनाएंगे तो आपको तीखापन कम लगेगा और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती हैं। अगर आप छोटी वाली मिर्च से बना रहे हैं तो आप उसके अंदर के जो बीज हैं यानी कि दाने हैं उन्हें भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम सारी मिर्च को पहले कट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सारी मिर्चों को कट कर लिया है। गैस की फ्लेम ऑफ ऑन करके हमने रख लिया है कढ़ाई को और ऑयल भी डाल दिया है। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे तेल लिया है, सरसों का तेल मैंने यूज़ किया है। तेल भी हो चुका है गरम, देखिए धुआं निकलने लगा है। तो जब तेल हो जाए गरम तो हम इसमें ऐड कर लेंगे मिर्च को जो हमने कट करके मिर्च रखी है, और कर लेंगे गैसी फ्लेम को हमने यहाँ पे स्लो रखा है, धीमी आंच में हमने ये काम करना है। जो ये मिर्च है ये ऑयल में जाती है तो ये चटकती है, तड़कने लगती है। तो गैस को धीमा रखें और इस तरीके से इसे फ्राई करते रहें। जब मिर्च तड़कने लगे अपने ही ऊपर आ जाएगी तो इससे बचने के लिए बहुत सेफली केयरफुल होकर काम करना है। तो हम इसे कवर कर लेते हैं। 2 मिनट हो गए हैं तो हम कवर को हटाते हैं। देखिए मिर्च क्रिस्पी भी हो गई है। तो हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर जो सिर्फ कलर के लिए यूज किया जाता है, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच या फिर 1/4 चम्मच स्वाद के अनुसार। सभी को मिक्स कर लेते हैं। 2 चम्मच में यहाँ पे विनेगर यूज कर रहे हैं, आप विनेगर की जगह नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। मिर्ची मसाला फ्राई हमारी हो चुकी है तो गैस को कर लेते हैं बंद। मसाला मिर्ची फ्राई हमारी बनकर हो गई है तैयार। अगर आपको भी मसाला मिर्ची फ्राई की रेसिपी पसंद आए तो आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएगा कि आपको मसाला मिर्ची फ्राई की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो समोसे में वड़ा पाव में मिलता है तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर में भी आप इसे साइड डिश के तौर पर सर्व कर सकते हैं, सबको बेहद पसंद आएगी। तो रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और रेसिपी पसंद आए तो शेयर भी जरूर कीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ आपसे न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।